वेलकम फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद आकर एंड वेलकम टू फ्लायर एकेडमी। इस वीडियो में आपको बताऊंगा सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन या अननेसेसरी वर्डिनेस। जी, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? अनावश्यक, फालतू में बोलना, कोई मतलब नहीं, कोई जिसकी कोई जरूरत ही ना वहां पे बोलना, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन कहलाती है। अननेसेसरी वर्डिनेस जो कि हमारे इंडियन लैंग्वेज, भाई साहब हम बहुत बोलते हैं इंग्लिश में, बहुत ज्यादा। जैसे आप मान लो, जब हम छोटे थे किस एप्लीकेशन लिखा करते थे, सभी ने नर्म बिनर्म निवेदन, भाई साहब जब नर्म कह रहे हैं तो बिनर्म कहने की क्या जरूरत है, या फिर नर्म कह दो बिनर्म कह दो। तो यहाँ पे अननेसेसरी वर्डिनेस जाया, इसको कहते हैं सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन कहते हैं। तो बहुत सारे हम यूज करते हैं इंग्लिश में, मैं आपको यहाँ पे 30 बताने, कुछ 30 के अराउंड बताने वाला हूँ, जो कि आपको हेल्प करेंगे। आप इनका यूज ना करें, अवॉइड करें, अदरवाइज इनका कोई मतलब होता नहीं है। इसलिए तो हम आइए चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, पहले पे आते हैं। जैसे पहला आपका है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो भाई साहब यहाँ पे ऑफ टाइम लिखना आवश्यक, कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पीरियड का मतलब ही आपका ऑफ टाइम, उसके अंदर पीरियड के अंदर ही ऑफ टाइम का मतलब हो जाएगा। जी हाँ, तो यहाँ पे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लिखनी कोई नहीं, आपको ऑफ टाइम लिखनी यहाँ पे जरूरत थी नहीं, यहाँ पे सिर्फ लिखे फॉर अ लॉन्ग पीरियड, फॉर अ लॉन्ग पीरियड, ऑफ टाइम लिखने को जरूरत नहीं है। सेकंड आता है रिटर्न बैक, भाई साहब जब रिटर्न के लिए तो बैक कहने की जरूरत, बैक के लिए तो रिटर्न के लिए क्या जरूरत है, रिटर्न के अंदर ही, रिटर्न में जो आपका होता है वो बैक का ही तो होता है उसका मतलब। तो रिटर्न ओनली यूज करें, बैक को अवॉइड करें। कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर, भाई साहब कजिन का मतलब वो ब्रदर या सिस्टर को ही करता है, तो आपको कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर कहने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कजिन वर्ड यूज करें, कजिन ये मेरा कजिन है। भाई साहब वो खुद समय सामने वाला खुद समझ जाएगा कि सिस्टर है, अगर लड़की है तो सिस्टर होगी और लड़का है तो ब्रदर होगा, आपको कहने की जरूरत नहीं, ही इज माय कजिन सिस्टर और ही इज माय कजिन ब्रदर, ये आपने अननेसेसरी बोल रहे हैं ब्रदर सिस्टर, ओनली कजिन वर्ड यूज करें। अब आते हैं इस पे, जैसे रिट्रीट बैक, रिकॉल बैक, रिकास्ट बैक, रिसीड बैक, भैया इनका बैक लिखना यहाँ पे कुछ रहती नहीं है, रिट्रीट, रिकॉल, रिसीड या रिकास्ट, इनका मतलब ही होता है, इसके अंदर बैक पहले से ही है। अगर आप रिट्रीट बोल रहे हैं, रिकॉल बोल रहे हैं, इसमें बैक कहने की आपको नीड नहीं है, समझ गए। अब क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं, जैसे अब हम अगले पे आते हैं, अगले में जैसे कुछ लोग बोलते हैं रिपीट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, अरे भाई साहब रिपीट कह लो या अगेन कह लो, रिपीट अगेन कहने की आवश्यकता नहीं है आपको, रिपीट वर्ड ओनली यूज करें, अगेन कहने की जरूरत नहीं है आपको, रीस्टेट, रिपीट, आपका रीराइट, इसमें आपको रीअरेंज, इसमें आपको अगेन कहने के लिए रीअरेंज अगेन, कहते हैं प्लीज रीअरेंज अगेन, अरे भाई रीअरेंज का मतलब ही होता है अगेन फिर से करना है आपको, अगेन आपको वर्ड यहाँ पे यूज नहीं करना है, अगेन को आपको अवॉइड करना है। सपोज, अब आपको आगे आते हैं सपोजिंग, सपोज इसमें मैं आपको बता दूं, जैसे हम कहते हैं सपोजिंग सपोज, इसमें आई जी यूज करना अब बिल्कुल गलत है, सपोजिंग सपोज ओनली, सपोजिंग नहीं सपोज, सपोज ठीक है। आगे आते हैं काइंडली, एक बहुत ज्यादा इसका काइंडली रिक्वेस्ट, आपसे बहुत काइंडली रिक्वेस्टेड है, भाई साहब आपको यहाँ पे काइंडली कहने की जरूरत नहीं, आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो काइंडली ही करते हो। जी हाँ, तो आपको ये कहना नहीं कि काइंडली यहाँ पे बिल्कुल यूज करना बिल्कुल गलत है, ओनली रिक्वेस्ट बहुत सही है, रिक्वेस्ट मतलब आप भाई उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, काइंडली कहने की जरूरत नहीं है आपको, काइंडली रिक्वेस्टेड नहीं होता, ओनली रिक्वेस्ट यूज करें भैया। अब आगे आता है आपका अवेट, अवेट के साथ कभी भी फॉर का यूज नहीं करना चाहिए, अवेट का मतलब ही होता है किसी के लिए इंतजार करना, अवेट फॉर कर देते हैं, फॉर यूज नहीं करना है आपको, ओनली अवेट यूज करें, फॉर यूज ना करें। अब आते हैं अगले पे, कॉम्प्राइज या डेस्पाइट, बहुत सारे लोग होते हैं कॉम्प्राइज ऑफ बोलते हैं, कॉम्प्राइज ऑफ या फिर डेस्पाइट ऑफ, भैया इसका मतलब कॉम्प्राइज का मतलब ही होता है कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है, कॉम्प्राइज मीन्स होता है कंसिस्ट ऑफ, उसका मतलब ही होता है कंसिस्ट ऑफ, और डेस्पाइट का मतलब होता है इंस्पाइट ऑफ, In spite of, तो of इसका पहले से ही होता है, so don't use of with comprise and despite। अब आते हैं आगे, अधिकतर लोग क्या करते हैं आपके until, unless या forbid या आपका prevent या deny या refuse या lest, इनके साथ not का use कर देते हैं, इनका मतलब ही not होता है, इनका meaning ही negative होता है, deny मना करना, refuse मना करना, until, unless ये आपके negative ही होते हैं, पहले से ही नेगेटिव है, इनमें नोट लगा के आप इनको गलत मत करो, इनमें नोट यूज नहीं करना, अनटिल अनलेस फॉरविड आपका प्रोहिबिट प्रिवेंट आपका डिनाय रिफ्यूज लेस्ट, ये पहले से ही आपके नेगेटिव फॉर्म होते हैं, इनमें नोट यूज नहीं करना चाहिए। अब आपका था फ्ली के साथ अवे का प्रयोग करना भी गलत है, फ्ली एफ एल ई फ्ली जो होता है, फ्ली के साथ अवे का यूज करते हैं, भैया फ्ली का मतलब होता है रन अवे,
रन अवे, तो अवे फ्ली अवे बोलोगे तो अवे अवे नहीं हो गया, रन अवे तो रन अवे अवे, तो इसलिए आपको यहाँ पे फ्ली के साथ अवे का ओनली फ्ली, एफ एल एफ एल डबल ई फ्ली, ओनली फ्ली। अब आप कुछ लोग होते हैं कॉवर्ड मैन कॉवर्ड गाय, अरे भाई कॉवर्ड जो आपका होता है कॉवर्ड का मतलब ये होता है कायर व्यक्ति कायर आदमी, इसमें मैन मैन लगा के इसकी कोई नीड ही नहीं है, मैन उसके अंदर पहले से ही है, कॉवर्ड कह दिया मतलब भाई कायर आदमी है, उसमें कहने की जरूरत नहीं, तो कॉवर्ड मैन पहले से ही उसमें अंदर से ही होता है कि कॉवर्ड मैन, कॉवर्ड का मतलब होता है कायर आदमी, ठीक है। अब आगे आते हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट, भैया एग्रीमेंट एग्रीमेंट उन्हीं के बीच में होगा ना, जब दो या दो से दो लोग होंगे या तीन लोग उनके बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट कहने की जरूरत नहीं है, जब आपकी दो या पार्टी होंगी या तीन पार्टी होंगी जब वो आपके एक्सेप्ट करे तभी तो एग्रीमेंट होगा, तो म्यूचुअल कहने की जरूरत नहीं है, ओनली सिर्फ क्या यूज करना है इसमें आपको, आपको इसमें सिर्फ एग्रीमेंट यूज करो, म्यूचुअल एग्रीमेंट यूज मत करो आप इसमें, समझ गए इसमें। अब आते हैं आगे, कोई लोग कहते हैं टू ट्विंग्स, भाई ट्विंग्स का मतलब ही होता है टू, तो यहाँ पे टू का टू कहने की जरूरत नहीं, ओनली ट्विंग्स का है, ट्विंग्स कहते हैं दे आर टू ट्विंग्स, अरे भैया टू ट्विंग्स का मतलब टू ट्विंग्स नहीं होता, ओनली ट्विंग्स होता है, टू का यूज करना यहाँ पे टोटली गलत है। अब आते हैं रीजन बिकॉज, कुछ कहते हैं रीजन, इसका रीजन है कि बिकॉज में ऐसा, भाई आप रीजन कह लो या बिकॉज कह लो, यहाँ पे आप बिकॉज का कहना बिल्कुल ही गलत है, यहाँ पे सिर्फ आप रीजन यूज करें, बिकॉज कहने की कोई जरूरत है ही नहीं, या तो रीजन करो या तो बिकॉज करो कि भैया रीजन ये, या बिकॉज ऑफ या रीजन, एक ही बात है, तो या तो रीजन यूज करें या दोनों को एक साथ यूज नहीं करना, ठीक है। अब आते हैं दूसरे, इक्वली और एज गुड एज, लोग इनका दोनों का साथ हम बहुत ज्यादा करते हैं, इक्वली एंड एज गुड एज, दोनों का एक साथ यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि दोनों एक ही होते हैं, दोनों का मतलब ही एक ही है, या तो इक्वली वर्ड यूज करो या तो आप यूज करो एज गुड एज, इक्वली एज गुड एज, ये दोनों इसको एक कर सकते हैं, दोनों ही सही है लेकिन दोनों को एक साथ मत करो क्योंकि दोनों का मतलब ही एक ही है, तो क्या मतलब रहेगा, ये इसका होता है। अब कोई भैया कोई यूज कर फाइनल कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन, फाइनल का मतलब फाइनल, कंक्लूजन का मतलब होता है फाइनल चीज, तो इसमें फाइनल लिखने का कोई मतलब नहीं, ओनली कंक्लूजन यूज करो, कंक्लूजन फाइनल यूज नहीं करना, कहते भाई फाइनल फाइनल कंक्लूजन हो बताओ, कंक्लूजन का मतलब होता है फाइनल चीज, तो यहाँ पे फाइनल का यूज करना ही गलत है, यहाँ पे सिर्फ करना कंक्लूजन यूज करना है, ये क्योंकि कंक्लूजन का सही मायने में जो अर्थ होता है वो फाइनल ही होता है भाई साहब, कि भाई फाइनल ही हम ऐसा कहने वाले हैं। अब इसके बाद आपका आता है स्पाउस वाइफ या फिर हस्बैंड वाइफ, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम हस्बैंड वाइफ भी, स्पाउस का मतलब ही होता है आपका हस्बैंड वाइफ होना, एस पी ओ यू एस, स्पाउस, स्पाउस का मतलब ही होता है हस्बैंड वाइफ, इसमें हस्बैंड भी आता है या वाइफ, हस्बैंड या तो वाइफ, इसमें कहते हैं हस्बैंड, इसमें स्पाउस वाइफ हस्बैंड, तो वाइफ हस्बैंड कहने की जरूरत नहीं है, ओनली स्पाउस को एस पी ओ यू एस, स्पाउस, इसमें आप वाइफ हस्बैंड कहने क्योंकि उसके अंदर ही पता है कि भाई इसका मतलब वाइफ या तो हस्बैंड, स्पाउस का मतलब, ठीक है। अब आता है कंसोर्ट हस्बैंड वाइफ, भाई कंसोर्ट कह लो या हस्बैंड वाइफ कह लो, कंसोर्ट का मतलब ही होता है हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड और वाइफ, तो या तो कंसोर्ट कह लो या तो हस्बैंड वाइफ कह लो, कंसोर्ट हस्बैंड वाइफ एक साथ यूज नहीं करना है। अब जैसे आपका यूज करते हैं ओवरराइड, ओवरटेक, ओवरटर्न, ओवरशूट, तो इसमें आपको क्या होता है, बार बार ओवर वर्ड का यूज मत करो, ओवरराइड, इज डूइंग ओवर ओवर, ओवरटेक, ओवरटर्न, इसमें बार बार आप, और इसमें एक बार आपने ओवरटर्न बात यूज कर लिया तो आपने इसमें ओवर फिर से यूज मत करो, क्योंकि उसका मतलब फिर वही आपका बार बार अन इंग्लिश हो जाएगा, इसलिए इसका यूज नहीं करना है। अब एक बहुत बड़ा होता है म्यूचुअल फ्रेंड, एक्चुअली म्यूचुअल फ्रेंड अन इंग्लिश एक्सप्रेशन है, अन इंग्लिश एक्सप्रेशन मतलब जो इंग्लिश है, मतलब डिटोज के लिए नहीं है, इसकी जगह आप म्यूचुअल फ्रेंड जगह कॉमन फ्रेंड यूज करें, आप म्यूचुअल फ्रेंड की जगह कॉमन फ्रेंड, फेसबुक पे आपने म्यूचुअल फ्रेंड्स ही देखे, एक्चुअली वो अन इंग्लिश एक्सप्रेशन है, आपका इंग्लिश एक्सप्रेशन नहीं है, तो इसमें आप म्यूचुअल फ्रेंड की जगह कॉमन फ्रेंड वर्ड यूज करें। अब होता है फ्रीशिप या लेक्चरशिप, आप फ्रीशिप या लेक्चरशिप की जगह फ्री स्टूडेंटशिप यूज कर सकते हैं, फ्रीशिप की जगह फ्री स्टूडेंटशिप यूज करें या लेक्चरशिप अकेला यूज करें, ये फ्रीशिप यूज ना करें, फ्री स्टूडेंटशिप होता है वो, ठीक है। इसी में देख लीजिए एन इंग्लिश टीचर, एन इंग्लिश टीचर का मतलब पता है क्या होता है, अ टीचर हु इज एन इंग्लिश, अ टीचर हु इज एन इंग्लिश मतलब सिटीजन ऑफ इंग्लैंड, तो इसमें आपको एन इंग्लिश टीचर की जगह अ टीचर ऑफ इंग्लिश लिखना चाहिए, अ टीचर ऑफ इंग्लिश, एन इंग्लिश टीचर का मतलब हो जाएगा अ टीचर हु इज एन इंग्लिश, जो सिटीजन ऑफ इंग्लैंड मतलब जो इंग्लिश है, मतलब ब्रिटिशर है, तो जो ब्रिटिशर के तो सिटीजन ऑफ जो बाय जो बोल मतलब अ टीचर हु इज एन इंग्लिश मतलब बाय टीचर बाय शिक्षक जो इंग्लैंड इंग्लिश है मतलब आपका इंग्लैंड का नागरिक है, मतलब वो इंडियन है, कहते ना वो इंडियन मतलब भारत का नागरिक, वैसे वो इंग्लिश है तो वो ब्रिटिश का नागरिक, इंग्लैंड का नागरिक है,
तो उसी तरीके से अन इंग्लिश टीचर की जगह आपको यूज करना है अ टीचर ऑफ इंग्लिश, ये सही है। एक इसके बाद हम आते हैं, ये भाई बहुत यूज करते हैं, पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स नहीं होता, पास मार्क्स होता है वो, ये अन इंग्लिश एक्सप्रेशन है पासिंग मार्क्स। कहते हैं भाई पासिंग मार्क्स कितने इस सब्जेक्ट में, पासिंग मार्क्स नहीं तो पास मार्क्स होता है, तो उसमें पासिंग मार्क्स ये आपको पास मार्क्स लिखना सही रहेगा। अब जैसे हम देखते हैं लिंकिंग रोड, लिंकिंग लैंग्वेज, तो लिंकिंग आई एन जी अननेसेसरी है यहाँ पे भी, लिंकिंग रोड लिंकिंग लैंग्वेज, इसकी जगह आप लिंक रोड लिंक लैंग्वेज लिखें, लिंक रोड लिंक लैंग्वेज, ये सही है। जैसे द टाइम पासेस हैप्पीली द डेज, मतलब इस तरह से आपका जैसे लिंकिंग लिखा ना, लिंकिंग लिंकिंग लिंक, ये आई एन जी मत करो यूज यार, आई एन जी नहीं इसमें कोई मतलब नहीं है, लिंक रोड या लिंकिंग लैंग्वेज, लिंकिंग लैंग्वेज का लिंक लैंग्वेज लिंक रोड, ये सही है। तो होप यू गाइस आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा अन इंग्लिश का। मैं आपको इसमें एक अन इंग्लिश एक्सप्रेशन भी लेके आऊंगा, प्लस बहुत सारे आपके, ये तो मैं आपको वर्ड बताएं, मैं आपको सेंटेंस लेकर आऊंगा। तो आप मुझे कमेंट करें ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।